रेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, प्लेटफॉर्म बेच दिए, जो नौकरी है उसको भी समाप्त कर रहा है, प्राइवेट में सबको बेचा जा रहा है। धुरंधर उरंधर चलने वाले सुपौल में नहीं है। चंद्रहास चौपाल जो है गरीब का बेटा है, दलित का बेटा है, वह जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, उसको से सभी हम लोग जहाँ प्रचार में जाते हैं, जहाँ जाते हैं तो चंद्रहास चौपाल ही चंद्रहास चौपाल सुनने को आता है। इस आदमी को अपनी पत्नी नहीं संभाल रहा है, पत्नी नहीं अपना पत्नी को नहीं देखभाल कर रहा है, वो देश को क्या देखेगा? किसान को तो किसान में जा रहा है, उसको कोई मैं बाप है कोई देखने वाला नहीं, नौजवान और किसान चला गया। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं डीएन वायरूज। इस वक्त मैं सुपौल जिला के जनता उच्च विद्यालय में हां सिमर के ग्राउंड में हूं। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है पंडाल लगा हुआ है। कुछ देर पहले जो है आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी यहाँ आए हुए थे, जनसभा को संबोधित किए हैं। हमारे साथ में तमाम जो है उनके कार्यकर्ता लोग हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या कुछ तेजस्वी यादव जी इन लोगों को मार्गदर्शन दिए, क्या कुछ जो है यहाँ पर सुपौल लोकसभा में चुनाव को लेकर कहे हैं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है और युवा प्रखंड अध्यक्ष पिपरा जी, आरजेडी। आरजेडी सर, तेजस्वी यादव जी आए हुए थे, आप लोग तमाम कार्यकर्ता लोग यहाँ मौजूद थे, क्या लगता है इस बार सुपौल से? सुपौल से एकदम सीट फाइनल है, ये आरजेडी का जो है सीट क्लियर है, उसमें कहीं कहने की बात नहीं है। चंद्रहास चौपाल जी जो है जीत रहे हैं, एक लाख वोट से जीत रहे हैं। मुद्दा क्या है, जीतने का क्या मुद्दा है? हम लोग का जो पार्टी का जो मुद्दा है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जो काम किए हैं, जो वो वादा किए हैं, जो वादा किए थे, उनका कहना था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पहला कलम से जो है 10 लाख युवा को रोजगार और नौकरी देंगे, लेकिन हमारी पार्टी जो है सरकार में थी नहीं, सपोर्ट में थी, लेकिन फिर भी 5 लाख युवा को नौकरी दिया गया और बुला के, कोई ये नहीं कि वो मुंह से बोला। सपोर्ट में कैसे थी सर? आपकी तो सरकार तेजस्वी जी जो है चाचा को लाए, चाचा में सपोर्ट में? नहीं, चाचा सपोर्ट में नहीं थी, आरजेडी उनके सपोर्ट में था। अच्छा। क्योंकि हमारा जो है मुख्यमंत्री हमारा नहीं था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे जी। और हम लोग आरजेडी हम लोग का जो है उनके सपोर्ट में था, लेकिन वादा जो किए थे वो वादा हमारे नेता प्रतिपक्ष ये थे कि हम सरकार में आएंगे तब, लेकिन सपोर्ट में रहने के बाद भी 5 लाख नौकरी युवाओं को दिया गया। अच्छा। जो वादा तेजस्वी जी करते हैं, जो बोलते हैं वो कन्फर्म करते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि चपरासी का नौकरी दे देता है वो जोड़ के पूरा देते हैं, झाड़ू मारने वाला नौकरी दे देता है वो जोड़ के कह देते हैं 5 लाख हो गया, क्या उस नौकरी से होगा काम चलेगा? एक चीज बताइए, जब 17 साल में सरकार थी एनडीए की, तो कम से कम झाड़ू मारने वाला तो कम से कम दे के तो दिखाता कि हाँ झाड़ू मारने वाले भी तो हम नौकरी दिए हैं, वो भी तो करके दिखाता, पांचों तो झाड़ू वाला तो दे के दिखाता जो हम दिए हैं। अरे जो जैसा आया, जिसके पास जो मेरिट था उस हिसाब उसको जो है नौकरी दिया गया, ये तो नहीं ना कि हवा हवा में जो बात किया गया है। एनडीए की जो सरकार है वो जो बोल रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल हुई, 5 साल हुई, आप जोड़िए उसको, 2 करोड़ की 5 साल में 10 करोड़ नौकरी होती है, क्या कितने को नौकरी दिए? पांचों आदमी को नौकरी तो नहीं दिए, रेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, प्लेटफॉर्म बेच दिए, जो नौकरी है उसको भी समाप्त कर रहा है, प्राइवेट में सबको बेचा जा रहा है, जो अंबानी अडानी है जो देश को लूट के जो है चला गया, उसको जो है कर्जा, उसका जो कर्जा माफ कर रहा है, जो आम किसान गरीब है जनता है उसका जो अगर कोई लोन लिया है उसको तबाह किया जा रहा है, उसको माफ नहीं किया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? वो तो खाली जो है भाषण बोलेंगे, मोटी मोटी बात छोड़ेंगे, पूरा करने मंदिर तो बना रहे हैं ना, मंदिर से क्या हमारी जो है पेट, हमारा पेट भरेगा क्या? मंदिर से हमारा पेट ना रहा है, मंदिर से भी विकास, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए, मंदिर में अगर पूजा करने से अगर हमारा पेट भर जाएगा तो सब आदमी जाके मंदिर में, घर में, हर एक घर में मंदिर है, उसी में हम पूजा करते, काम नहीं करते, कमाते नहीं, पढ़ते लिखते नहीं, बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं, नौकरी नहीं करते, गृहस्थी नहीं करते, आस्था है, आस्था दिल में है, दिल से माना जाता है, दिल में उसको मानते हैं, पूजते हैं, घर में भी, घर में है, दिल में है, हर एक जगह मंदिर है, कहाँ नहीं मंदिर है?
लेकिन वो हाँकते हैं। क्या लगता है अरबों खरबों जो रुपया मंदिर में लगाया जा रहा है उससे हमारे देश का बिहार का अर्थव्यवस्था गिर रहा है? बहुत अर्थव्यवस्था नीचे चला गया, पीछे चला गया है, मान के चलिए वो तो लूट है। वो जब जांच इसका जो जांच किया जाएगा, जब सरकार चेंज होगा जांच किया जाएगा, तो सबसे बड़ा घोटाला ये मंदिर घोटाला होगा। यहाँ पे जिस उसका दीप जो बनाया गया था उसमें तेल डाला गया था, बोला था कि एक साल तक दीप जलेगा, कहाँ गया दीप? कितने दिन जला? महीना दिन। चौथा दिन जाके जो है वहाँ पता चला कि कहीं कुछ नहीं, सब मिट्टी का बना हुआ था। क्या लगता है बाबा बन के मंदिर के नाम पे भी अब घोटाला? मैं चला गया बाबा मंदिर में, मस्जिद में कुछ नहीं मिलने वाला है। वो घंटी बजाते रहे, अब घंटी बजाए उससे कुछ नहीं। जो अपमान किया गया है मंदिर में, मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा तब दिया जाता है जब मंदिर का जो है पूरा काम काज पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वहाँ काम काज कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। पहले उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में दे दिया गया, लेकिन उस पे आज भी काम किया जा रहा है, लात लग रहा है, पैर लग रहा है। अब उसी के दुआ से अब जो है मोदी जी का जो है समय जा रहा है, मोदी जी बिहार से पूरा ही जो केंद्र से लगता है, मतलब वोट बैंक के लिए मंदिर को अर्धनिर्मित में ही जो है एकदम प्राण प्रतिष्ठा। वोट बैंक के लिए किया गया था वो विपरीत हो गया, उसका समय घड़ा भर गया, फूट गया। वो अब जाने वाले हैं, वो रुकने वाले हैं, नहीं है जाने पर बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो है आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पे भी घोटाला हो रहा है। सुनिए, जिस आदमी को अपनी पत्नी नहीं संभाल रहा है, पत्नी नहीं अपना पत्नी को नहीं देखभाल कर रहा है, वो देश को क्या देखेगा? दूसरा बेटा क्या देश की बहन बेटियों का रक्षा कैसे? बहन बेटी का रक्षा कहाँ किए हैं? वो देखिए ना कि मंदिर कितना जो है बलात्कार हुआ, बच्चे का बलात्कार हुआ है, हर एक जगह जो है हुआ है। वो देश का क्या बात करेगा? जो अपने बीवी को नहीं देख सकता, वो देश को क्या देखेगा? झूठा भाषण देता है, भाषण से राशन मिलने वाला नहीं है। और भी हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, क्या नाम हुआ सर? भूपेंद्र यादव। आए हुए थे तेजस्वी यादव के जनसभा में, क्या आप लोग क्या कर रहे हैं इस बार सुपौल से? हम लोग तो लालटेन में वोट डाल रहे हैं सब मिलके। क्या तेजस्वी यादव जी क्या क्या वादा करके? वादा किए कि नौकरी देंगे फिर साल में करोड़ों करोड़। अच्छा, हम लोग हमारी सरकार बनेगी। किसान लोग का क्या होगा? आप भी किसान को तो किसान में जा रहा है। अच्छा। उसको कोई माँ बाप है थोड़े, कोई देखने वाला नहीं। नौजवान और किसान चला गया। तेजस्वी जी आएंगे केंद्र में तो होगा खाद उद सस्ता होगा, खाद सस्ता होगा, किसान के लिए सोचेंगे, नौजवान के लिए सोचेंगे। देखिए युवा तमाम कार्यकर्ता हैं, गले में जो है देख लीजिए आरजेडी का झंडा है। और आइए, क्या भैया हो गया? सभा हो गया? सभा हो गया है इस बार। क्या तेजस्वी जी को एकदम झंडा बुलंद करना जी? महागठबंधन को इस बार भारी मतों से विजय होने वाला है। और भी तो बहुत धुरंधर सब है, मतलब और भी है प्रत्याशी सब आरजेडी से हैं आपका? यहाँ पर कोई धुरंधर वुरेंद्र चलने वाले सुपौल में नहीं है। चंद्रहास चौपाल जो है गरीब का बेटा है, दलित का बेटा है, वह जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। उसको से सभी हम लोग जहाँ प्रचार में जाते हैं, जहाँ जाते हैं तो चंद्रहास चौपाल ही चंद्रहास चौपाल सुनने को आता है। अब की बार कोई टक्कर में नहीं है, सब जीरो पर आउट है। अब की बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। मतलब आपको अपना समीकरण पे पूरा विश्वास है? समीकरण नहीं, पूरा भरोसा 110% का ही। लोगों देखिए, पब्लिक में जाके देखिए, चंद्रहास चौपाल जहाँ दलित में जाइए, ओबीसी परिवार में जाइए या फॉरवर्ड परिवार में जाइए, हर जगह चंद्रहास चौपाल ही चंद्रहास चौपाल सुनने को आता है। अच्छा, एक चीज हम आप लोगों से सवाल करेंगे, अभी भी सुपौल लोकसभा क्षेत्र में, कोसी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, कोई नेता वहां नहीं पहुंचा है। हम लोग जब चुनाव कैंपेन करने उधर पहुंचे थे कोसी क्षेत्र में, तो वहां पे एक भी नेता नहीं पहुंचा है। और वहां के लोगों का कहना है कि कोसी में डर से जो है यहां नेता लोग नहीं आता है। क्या हमारे चंद्रहास चौपाल है पानी में तैरने वाले नेता है? हमारे हमारे पता नहीं है, हमारे चंद्रहास जहाँ भी गया है नौ हो गए हैं, नौ पे घूम के आए हैं। चंद्रहास चौपाल जी आप पता करके आइए, आपको मालूम नहीं है? हमारे चंद्रहास चौपाल जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, वो आपसे कादों में कहिए, पानी में कहिए, हर जगह जाने के लिए तैयार है।
चलिए बाकी जो है यहाँ तेजस्वी जी का जनसभा था, तमाम कार्यकर्ता लोग थे उनके और आम जनता भी थे यहाँ का, और हमने जो है आपको दिखाने का सुनाने का प्रयास किया। सुपौल लोकसभा में जो है चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, 7 तारीख को चुनाव होने वाला है। देखने वाली बात होगी कौन बाजी मारते हैं। यहाँ से जो है तमाम जो यहाँ प्रत्याशी है, निर्दलीय से भी है, RJD से भी है। बाकी जो है हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बने रहिए DNY न्यूज के साथ। धन्यवाद। I'm gonna go to the next one.